ओम शांति। आज आपका 158वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और इसके पहले कि हम इस ईश्वरीय वरदान में आगे बढ़ें, ये ऊपर जो लिंक दिया जा रहा है ये आपको फिटनेस, योग आसन और सोने की विधि और क्या खाना क्या नहीं खाना ताकि आपके मोटापे को आप कम कर पाए, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आगे चलें आज के ईश्वरीय वरदान में। आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि हम कैसे अपनी शक्तियाँ खो देते हैं गलत संगत में आने से, या तो फिर अपनी कर्म इंद्रियों, ये जो हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस हैं, उनको हम कंट्रोल ना कर पाते हैं, जब तब जाकर के हमारी खुशी और हमारी शांति खो जाती है हमारी। तो परमात्मा इसके विस्तार में लेके जाते हैं कि हम कैसे राजा के जगह रंक बन जाते हैं। राजा हुआ अमीर और जो रंक होता है वो गरीब बन जाता है। तो इसको आगे जाकर के समझें और बाबा कहना क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, चारों तरफ दुनिया में आज गम ही गम है, घर के अंदर भी गम है, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, आपस में एक दूसरे से मीठी बातें प्यार से बातें नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे से इच्छाएं रखते हैं और चिड़चिड़ापन होता है, गंभीरता रहती है, एक दूसरे के अंदर गलतियां ही केवल देखना, एक दूसरे के अंदर बुराइयां ही केवल देखना, ये सब कुछ हर एक घर में आज हो रहा है। इसको परमात्मा कहते हैं कलयुग। इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम नहीं, क्योंकि आश्रम में तो शांति होती है, तो शांति अपने ऊपर है। हर आत्मा अगर शांति बनाए रखे तो सारे घर में शांति हो जाए, और एक दूसरे से इच्छाएं कम रख दे तो खुद ही शांति आ जाए, और ये अष्ट शक्तियां अगर हमारे अंदर हो तो ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। तो देखें बाबा क्या कहते हैं, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले, बेगमपुर जिसमें कोई गम ना हो, की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव, वो 8 शक्तियां जब होंगी, उनकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे और परमात्मा से जब हम जुड़े रहेंगे मेडिटेशन में, तब जाकर के अष्ट शक्ति हमें याद आएंगी, सही समय पर हम यूज कर पाएंगे। विस्तार में चलें, बाबा कहते हैं गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। पहले तो कई सारी आत्मा को तो ये नहीं पता होता है कि ये इतनी दुनिया में दुख क्यों है, धन संपत्ति है तो हम सुखी हैं, बाकी भाड़ में जाएं, ये सोचा जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप दुखी हो और आप चाहते हो कि आपको धन संपत्ति सुख शांति मिल करके चारों तरफ से हर कोई दे, तब आप खुश रहोगे। परमात्मा कहते ऐसे नहीं हो सकता। सारी दुनिया अगर बेगमपुर की बादशाही की एक राजधानी बननी चाहती है या बने आप चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके वो बेगमपुर शुरुआत होती है। अपने घर से शुरुआत होती है, सबसे पहले अपने मन रूपी घर को चेंज करना, तब जा करके बाहर सब कुछ ठीक होता है। बाबा कहते हैं गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। अभी हमें पता है कि एक सतयुग का समय था जहाँ पर बिल्कुल ही कोई गम नहीं था, ना कोई बीमारी होती थी, ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, ना धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई वहाँ पे फौज, ना कोई वहाँ पे अलग अलग धर्म होते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था, सब कुछ एक समान होता था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। तो परमात्मा कहते हैं उसकी नॉलेज तो अभी है हमें कि कलयुग क्या है और सतयुग क्या है, और हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया सतयुग जैसी बन जाए, तो उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। परमात्मा कहते हैं गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना। चारों तरफ गम है, घर में भी शांति नहीं है, तन में भी शांति नहीं है, तो उस समय अगर मन शांत हो जाए तो तन की अशांति और घर की अशांति को भी सहन कर लेगा। तो ऐसी आत्मा बनना, तो बेगमपुर का बादशाही कौन हो सकता है, जो कि जहाँ पर चारों तरफ गम ही गम है, उसमें भी मन अगर परमात्मा से लगा रहे और अष्ट शक्तियाँ हों, तब जाकर के बेगम हो जाएगी वो गम वाली दुनिया। परमात्मा कहते हैं यही अष्ट शक्ति स्वरूप। वो अष्ट शक्तियाँ क्या हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं विस्तार में, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन में। 8 शक्तियाँ क्या क्या हैं जो हम आत्मा के अंदर होनी चाहिए, वो याद रहेंगी, स्मृति में रहेंगी, और परमात्मा याद रहेंगे हमारे उसके साथ में, तब जाके शक्ति आती है। फिर बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अगर 8 शक्तियां हैं हमारे अंदर, तो ये कर्मेंद्रिय जो हैं, 5 सेंसेस जो हैं, वो हमें कभी धोखा नहीं देती हैं। बल्कि ना देखते हुए देख लिया, ना बोलना चाहते हुए बोल दिया, मुख से निकल गया तेज आवाज से, गलत नहीं सुना था लेकिन सुन लिया हमने, तो ये सारी चटपटी चीजें जो हम करते हैं, सारी कर्मेंद्रिय से वो बंद हो जाती हैं, परमात्मा कहते हैं, तो हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस समय ही हमें पता चलता है कि अरे
मुझ आत्मा में तो सारी शक्तियां, नहीं तो अभी तक हम तो पूरी दुनिया को ब्लेम करते आए हैं। क्या क्या शक्तियां हैं? सबसे पहले हमारे अंदर शक्ति है कि हम विस्तार से हम संकीर्णता में जाएं। हम जो बहुत विस्तार कर लिया है उसको हम संकीर्ण कर पाएं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा फैलाव नहीं करना है, क्योंकि कलयुग की दुनिया में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा हम फैलाव करेंगे, चाहे वो धन का हो, चाहे अपने संकल्पों का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, उतना ही मुश्किल होगा उन सबको संभालना। तो परमात्मा कहते हैं कि सारी चीज़ों को आप फैलाव मत करो, समेटना स्टार्ट करो। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास में कौन सी शक्ति है? परमात्मा कहते हैं विस्तार में नहीं जाना है, संकीर्णता में जाना है। तो विस्तार में गए, कौन से विस्तार में जाना है? हमें परमात्मा के ज्ञान के विस्तार में, दुनियावी बातों के विस्तार में नहीं जाना है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। तो वो एक शक्ति होगी आपके पास में। तो विस्तार को आपने संकीर्ण किया, समेटने की शक्ति आपने बढ़ाई अपने साथ में। फिर सहन शक्ति, सहन सिर्फ औरों को नहीं करना, सहन अपने अंदर की गलतियों को भी करना, अपने अंदर की कमजोरियों को भी करना, उसको भी कहते हैं सहन शक्ति, कहते हैं उसको। फिर वो करने से आपके पास में आते हैं सबको एक्सेप्ट करने की शक्ति, सबको समाने की शक्ति। क्या क्या समाना? लोगों की बातें समाना, घर संपत्ति जो भी है, जिस भी सिचुएशन में हो आप उसको समा लेना। क्यों? आपको ज्ञान है कि ये सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे साथ हो रहा है, तो समान लेना है उसको। जैसे आप जिस परिवार में पैदा हुए हो उसमें कंप्लेन नहीं करना कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, मैं काश किसी और परिवार में पैदा होता या होती या किसी और परिवार में होती। परमात्मा कहते हैं ये भी समाने की शक्ति नहीं है आपके अंदर, तो ये भी समाना है। हर कोई अपने आप को बाहर मुक्ता में ला करके खुश नहीं रह सकता। बाहर मुक्ता मतलब कि आप बाहरी चीज़ों से आप असंतुष्ट हो, या आप हर किसी चीज़ को बाहरी रूप से अपने बोल द्वारा परिवर्तन करने की कोशिश करें, उससे भी नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं इसलिए अपने अंदर संतुष्टता लानी बहुत ज़रूरी है। फिर परखने की शक्ति, परखना क्या है? राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या बोलना, क्या देखना, क्या सोचना, क्या सुनना, ये सब कुछ का ध्यान हो पूरे दिन में, तो आप क्या कर पाएंगे? आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप निर्णय कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम परख नहीं सकते तो हम निर्णय भी नहीं कर सकते। निर्णय भी क्या करना है? और को जज करना नहीं है, अपने आप को जज करना, लेकिन अपने आप को जज करते हुए भी अपने ऊपर भारी नहीं होना। अरे मेरे अंदर तो ये कमजोरी, अरे मेरे अंदर तो ये बुराई है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, ठीक कर सकती हूँ, नहीं। अपने आप को कोसना भी नहीं, तो अपने आप को भी सहन करना, अपने आप को भी परखना, गलतियों को अलग करना और अपने आप को इम्प्रूव करना। फिर सामना करना, औरों का सामना नहीं करना कि मैं उसको दिखा दूंगा वो कैसा है, मैं उसको सही कर दूंगा, मैं उसको सही कर दूंगी, ये औरों को सामना नहीं करना। अपने अंदर की ये जो हमारे अंदर बहुत ही गंभीरता, बहुत ही उत्तेजना, बहुत ही क्रोध वाली जो अवस्था आती है उसको हमें सामना करना और उसको शांत करना, इसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। फिर जा कर के हम सहयोग कर पाते हैं औरों का। अगर हम औरों से रूठे रहेंगे तो औरों को सहयोग क्या करेंगे? औरों से बात नहीं करेंगे तो औरों को सहयोग क्या करेंगे? परमात्मा कहते हैं अष्ट शक्ति की कमी होने के कारण ही हम घर में बेगमपुर नहीं बना पाते। वो घर भी क्या होता है? गम से भरा हो जाता है, तो उसको चेंज करना हमारे ऊपर है। तो फिर बाबा कहते हैं अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष, गलत दोष, संग दोष मतलब गलत आपकी किसी के साथ में साथी कोई आपका बना हुआ हो, आप किसी के ऐसे दोस्त के साथ में रहें जो कि आपको गलत चीजें सिखाता हो। आजकल सिर्फ दोस्त दोस्त कोई व्यक्ति नहीं, आज प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब भी हो गया, गलत चीज़ें देखना उस पर, बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव वाली चीज़ें उनको सुनना, वो भी संग दोष कहलाया जाता है। नेगेटिव बातें, इम्प्योर बातें देखना यूट्यूब पर, टीवी पर, वो भी संग दोष होता है, गलत दोष, जो कि आपको गलत सुझाव देता है मन में, वो भी संग दोष हो गया। फिर परमात्मा कहते हैं संग दोष हो या कोई कर्मेंद्र के वशीभूत हो, कर्मेंद्र के वशीभूत मतलब बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया, देखना नहीं चाहते थे देख लिया, सुनना नहीं चाहते थे सुन लिया, ये भी क्या हो गया? मैं आत्मा इन के द्वारा कंट्रोल करी जा रही हूँ, गलत हो जाता है। तब जाकर क्या होता है? तब परमात्मा कहते हैं तो आप अपनी शक्ति खो लेते हो संग दोष के कारण, और अगर 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। पहले जो बड़े खुश थे, मेडिटेशन अच्छे से करते थे, फिर हमने क्या किया? ज्ञान तो मिला लेकिन हमने इन कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, संग दोष में रहे, कोई गलत संगत में रहे, चाहे वो व्यक्ति की संगत हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गलत चीज़ें देखना हो, वो सारी चीज़ें हो, तो परमात्मा कहते हैं तभी आप अपनी खुशी खो देते हो और अष्ट शक्तियाँ भी खो जाती हैं आपकी। बेगमपुर के बादशाह की भी कंगाल बन जाते हैं, तो बादशाह
कौन सा बादशाह होगा जो कि अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाए, आत्मा रूपी बादशाह, और जिसके अंदर वो 8 शक्तियां ना हो, तो ये कर्मेंद्रिया जो प्रजा है वो उसको कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, तो फिर वो राजा राजा नहीं रहा। आप इसके बारे में गहराई से सोचिएगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।